अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह के घर के लिए आप लोग रवाना हो रहे हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और अपने होम मिनिस्टर साहब हमारे हरदिल अजीज यहाँ पर उनकी सदारत में आज आखिरी काफिले को विदा करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मेंबर्स पूरे और सीईओ साहब भाषा साहब सीए और जो भी हमारे ऑफिसर्स इरफान साहब और मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए और एक बात यह है कि आप लोग पासपोर्ट अपना बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट बोर्डिंग कार्ड ये हिफाजत से रखिए। रियाल भी जो है हिफाजत से रख लीजिए क्योंकि मिस होगा तो परेशानी हो जाती। गड़बड़ में जो है पासपोर्ट भूल गए या बोर्डिंग पास भूल गए तो नहीं होता। आप लोग अपनी अपनी जो चीज़ें हिफाजत से रखिए और ये कैंची वगैरह है तो यही निकाल लीजिए आप लोग क्योंकि वो पर लगेज में निकाल के फेंक दे रहे हैं वो लोग क्योंकि जो हैंड कैरी में है तो जो भी अगर कैंची है कोई कतर है कुछ भी है तो वो लोग निकाल देते हैं। वो निकाल दीजिए आप लोग और आज हमारी गवर्नमेंट के तरफ से आज पूरे इंतजाम जो यहाँ पर हुए हैं आज के मैं सीएम साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारे सीएम साहब सेकुलर सीएम है पूरे इंडिया में नंबर वन सीएम जिसको बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है क्योंकि आज यहाँ से लेके पूरा सऊदी तक यहाँ से एयरपोर्ट एयरपोर्ट से वहाँ के एयरपोर्ट तक काउंसल काउंसलेट तक जो है हमारी गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर कर रही है क्योंकि दूसरे स्टेट के हाजिया आज परेशान है मगर हमारे हाजिया कंफर्टेबल है वहाँ जाकर हर चीज का इंतजाम है वहाँ पर क्योंकि कोई ऐसी किस्म की कोई बात नहीं है। हम लोग हर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम भी खुला है यहाँ पर। और दूसरी बात पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी काम कर रही है यहाँ पर। जीएचएमसी पुलिस डिपार्टमेंट वाटर वर्क्स आरएमबी डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट जो है रात दिन काम पे लगे हुए और मैं वॉलंटियर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वॉलंटियर्स भी जो है पूरा रात दिन काम कर रहे हैं यहाँ पर पूरे हमारे ऑफिसर्स पूरे स्टाफ बपोर्ट का स्टाफ हमारे हज कमेटी का स्टाफ और भी डिपार्टमेंट के स्टाफ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर और मैं एक ही दुआ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिए क्योंकि बहुत अच्छे सेकुलर लीडर है और 9 साल के अंदर इस हमारे स्टेट को जो साबिता में बैकवर्ड स्टेट थी आज इंडिया में नंबर वन स्टेट बनाने वाले कोई सीएम है तो केसीआर साहब है। हमारे स्टेट के लिए दुआ कीजिए सीएम साहब के लिए दुआ कीजिए और हमारी जो पार्टी है साबिता में टीआरएस थी उसे बीआरएस करें उसका एक ही मकसद है। मैं बाद में कभी बताऊंगा कभी मीटिंग के अंदर सीएम साहब ने मुसलमानों का रिजर्वेशन दिल्ली में पास करवाना चाहते हैं रुका है। आपसे मेरी गुजारिश है सीएम साहब को ऐसी ताकत दे कि वो दिल्ली में अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारे जो मसाइल है खासतौर हमारे रिजर्वेशन का मसला है हमने काउंसिल में पास किया है असम्बली में पास किया है गवर्नर से अप्रूवल किया है वो रिजर्वेशन दिल्ली में रुका है प्राइम मिनिस्टर के पास। आगे हमारी ताकत ऐसी बढ़े कि सीएम साहब का जो वायदा है रिजर्वेशन का वो जरूर पूरा होगा क्योंकि वो इरादा का जो बात बोलते हैं वो जरूर पूरा करते हैं क्योंकि दिल्ली में हमारी मेजोरिटी ना होने की वजह से हमारे साथ जो अपोजिशन पार्टी से उनसे समझौता ना होने की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। आने वाले वक्त अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत को लाए जो बहुत सेकुलर हो और मुसलमानों के लिए जो 12% रिजर्वेशन की बात की गई उसकी अमलावरी के लिए अल्लाह के मेहमानों से हाजी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ आप दुआ कीजिए। हमारे सीएम साहब ने जो हिकमत अमली बना रहे वो यही बना रहे कि सारे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी हो सारे कौमों के साथ मुसलमान भी तरक्की करें ये हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा उनका एक मकसद है और उन्होंने ही हमारा स्टेट बनने के बाद रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। सीएम साहब ने इक्तदार में आने के साथ ही 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए जिसमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते हैं। सीएम साहब का सपना है कि सारे हिंदुस्तान में भी इसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल कायम हो सारे मुसलमान तालीम याफ्ता बने। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए तमाम हाजी भाई को जो अल्लाह के मेहमान है उनको बहुत दिल की गहराइयों से मैं रुख्सती उत्तर करता हूँ। यहाँ से हज के जाने के लिए मुझे बुलाया गया मैं सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से यही करता हूँ अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए आपका सफ़र आसान करे अल्लाह ताला आपके अफराद खानदान को
शायद तो तंदुरुस्ती के साथ आप लोग हज करके अपने अफराद खानदान से वापिस आकर मिले, हम यही दुआ देते हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।